हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ हेरिटेज पब्लिक स्कूल। तो स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टडी अबाउट द स्टोरी एंड दिस स्टोरी हैज़ बीन टेकन फ्रॉम योर बुक अ पैक्ट ऑफ सन। दिस इज़ योर सप्लीमेंट्री बुक एंड आई एम टेकिंग दिस क्लास फॉर क्लास सिक्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। दे वंस लिव्ड ए बर्ड एंड हर टू न्यू बेबीज इन अ फॉरेस्ट। एक बार की बात है, एक बड़ा सा पक्षी अपने दो नए बच्चों के साथ, न्यू बॉर्न बेबी मतलब जो उसके हाल ही में हुए थे, उन बेबीज के साथ जंगल में रहता था। दे हैड अ नेस्ट इन अ टॉल शेडी ट्री एंड देयर द मदर बर्ड टुक केयर ऑफ अ लिटिल वंस डे एंड नाइट। तो वहाँ पर एक बहुत ही लंबा छायादार बड़ा पेड़ था जिसमें उनका घोंसला था, और जो हमारा पक्षी था वो दिन रात अपने बच्चों की देखभाल करता था। वन डे देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म, एक दिन वहाँ पर बहुत ही बड़ा तूफान आया। देयर वॉज अ थंडर लाइटनिंग एंड रेन, तो जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ही थंडर मतलब बिजली चमकना, बहुत तेज़ बारिश होना, काफ़ी बड़ा तूफान आया। एंड द विंड ब्लो डाउन मैनी ट्रीज, और जो इतनी तेज़ हवा चली जिसकी वजह से काफ़ी पेड़ नीचे आ गए। नीचे आने का यहाँ पे मतलब है कि गिर गए। द ब्रांच द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव ऑल्सो केम डाउन, और वो पेड़ जिस पर पक्षी रहता था अपने दोनों बच्चों के साथ, वो पेड़ भी टूट कर नीचे गिर गया। अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल द बर्ड, एक बड़ी सी हैवी ब्रांच जो थी वो घोंसले से टकरा जाती है जिसकी वजह से वो पक्षी मर जाता है। फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड, पर बच्चों का भविष्य अच्छा था। द स्ट्रॉन्ग वाइट ब्लू देम अवे टू द अदर साइड टू द फॉरेस्ट, क्योंकि जब तेज़ हवा चली तो बच्चों को उड़ाकर जंगल से कहीं दूर ले गई। वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव वेयर गैंग ऑफ रॉबर लिव्ड, एक बच्चा तो उड़ के एक गुफा के बाहर जाके गिरा था जहाँ उस गुफा में डाकुओं की एक गैंग रहती थी। द अदर लैंडेड आउटसाइड ए ऋषिज आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे, और एक जो बेबी था वो हवा से उड़ के एक आश्रम था, एक ऋषि का आश्रम, उससे थोड़ी दूरी पर जाके वहाँ पे गिरा था। चलिए आगे पढ़ते हैं अब स्टोरी में आगे क्या हुआ। डेज पास एंड बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड, दिन पास होते गए मतलब दिन निकलते गए, और जो छोटे न्यू बॉर्न बेबी थे अब वो बड़े पक्षी बन चुके थे। वन डे, एक दिन, द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट, जो उस कंट्री का जो राजा था वो जंगल आया हुआ था शिकार के लिए। ही सॉ ए डियर एंड रोड आफ्टर ही, उसके बाद क्या होता है कि उसने वहाँ पर एक क्या देखा, डियर देखा मतलब एक हिरन देखा, और उसके पीछे दौड़ लगा दी। इट रेन डीप इनटू द फॉरेस्ट फॉलोड बाय द किंग, तो उसको फॉलो करते करते जो राजा था वो जंगल, घने जंगल में जा पहुंचा था। सो द किंग लॉस्ट हिज वे एंड डिडंट नो वेयर ही वॉज, जल्दी ही राजा अपना रास्ता खो देता है और उसे नहीं पता कि कहाँ जाना है। ही रोड ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, वो काफ़ी देर तक लंबा चलता रहता है और उसके बाद जंगल के एक दूसरे साइड पर पहुँच जाता है। वेरी टायर्ड बाय नाउ ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स एंड सेट डाउन अंडर ए ट्री दैट स्टूड नियर ए केव, जल्दी ही बहुत थक जाने के कारण वो अपने घोड़े से नीचे उतर जाता है और एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ जाता है, और जो पेड़ होता है वो उसी गुफा के पास में होता है। सडनली ही हियर्ड ए वॉइस क्राई आउट, क्विक हरी अप देयर इज समवन अंडर द ट्री, अचानक ही वो एक आवाज़ सुनता है चिल्लाने की, जल्दी करो यहाँ पर कोई है पेड़ के नीचे। कम एंड टेक हिज जेवल एंड हिज हॉर्स, आओ जल्दी से इसके आभूषण और इसके घोड़े को लूट लो, हरी और एल्स ही विल स्लिप अवे, जल्दी वरना ये यहाँ से खिसक लेगा। द किंग वॉज अमेज्ड, ही लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर विच वॉज सिटिंग, जैसे ही राजा ये सब सुनता है वो सुन के चौंक जाता है, और चौंकने के बाद जब वो इधर उधर देखने लगता है तब उसे क्या दिखता है, एक बड़ा ब्राउन कलर का पक्षी दिखता है उसी पेड़ के ऊपर जिस पेड़ के नीचे वो बैठा हुआ था। ही ऑल्सो हियर्ड फेंट नॉइजेज इशूइंग फ्रॉम द केव, तो तभी वो गुफा के अंदर से भी एक अलग अलग तरह की आवाज़ें सुनता है। ही क्विकली गॉट ऑन हिज हॉर्स एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड,
तो जल्दी से वो वहाँ से उठता है, अपने घोड़े पे बैठता है और जितना जल्दी हो सकता है उस जगह को छोड़कर भाग जाता है। सून ही केम टू क्लियरिंग विच लुक लाइक एन आश्रम। जल्दी ही वो वहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, एक आश्रम जैसी दिखने वाली जगह पर पहुँच जाता है। इट वॉज़ द ऋषि आश्रम। ये वहाँ पर पहुँचने के बाद क्या देखता है कि जो आश्रम है वो किसी ऋषि का है। द किंग टाइड इज हॉर्स टू अ ट्री एंड सेट डाउन इन इट्स शेड्स। तो उसके बाद क्या होता है, जो राजा है वो अपने हॉर्स को किसी पेड़ के साथ बांध देता है छाया के नीचे। सडनली ही हियर ए जेंटल वॉइस अनाउंस। तभी वो अचानक से बहुत ही जेंटल वॉइस सुनता है जिसमें वर्ड्स होते हैं, वेलकम टू द आश्रम सर, प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट। तो वो सुनता है, आश्रम में आपका स्वागत है सर, प्लीज़ अंदर आइए और आराम करिए, द ऋषि विल बी बैक सून। जो ऋषि जो कि वहाँ पे नहीं था उस समय, वो तुरंत जल्दी ही आ जाता है। देयर इज सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल। द किंग लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री। तभी वो दूसरी आवाज़ सुनता है कि आपके लिए पॉट में ठंडा पानी है, तो अपने आप को कम्फर्टेबल करिए। तो इतना सुन के जो राजा है वो चौंक जाता है। क्यों? क्योंकि अगेन वो एक बड़ा सा ब्राउन कलर का पक्षी देखता है पेड़ पर। ही वॉज अमेज्ड। अब वो बिल्कुल अमेज्ड हो जाता है, शॉक्ड हो जाता है। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, क्योंकि वो पक्षी बिल्कुल उसके जैसा था जो कि उसने पहले गुफा के पास देखा था। ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली, और वो यही बात को अपने आप से बहुत ज़ोर से बोलता है। यू आर राइट सर, आंसर द बर्ड। उसके बाद पक्षी जवाब देता है, यू आर राइट सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ही इज़ माई ब्रदर बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विद रॉबर्ट्स। उसके बाद वो क्या बताता है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, वो मेरा ही भाई है पर उसने डाकुओं के साथ दोस्ती कर ली है। ही नॉट टॉक एज दे डू, और वो अब ऐसी ही बातें करता है जैसे कि वो लोग करते हैं। ही डजंट टॉक टू मी एनी मोर, और वो मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं करता है। जस्ट देन द ऋषि एंटर्ड द आश्रम। तभी जो ऋषि है वो आश्रम में एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद देखिए ऋषि क्या बोलते हैं, वेलकम सर, ही सेड टू द किंग, प्लीज़ कम इन साइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम। तो उसके बाद कहते हैं राजा से कि राजा जी अंदर आइए और अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करिए और यहाँ पर आराम करिए। यू लुक टायर्ड, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं, रेस्ट फॉर अ वाइल देन यू कैन शेयर माई फूड। तो आप थोड़ी देर के लिए इंतज़ार कर लीजिए और उसके बाद आप मेरा खाना शेयर कर सकते हैं। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स एंड हाउ ईच हैड बिहेव सो डिफरेंटली थो दे लुक्ड सो अलाइक। तो उसके बाद क्या होता है, जो राजा होता है वो ये सारी बातें, सारा बिहेव जो दो अलग अलग पक्षियों ने उसके साथ किया था उसके बारे में राजा को बताता है। तो द फॉरेस्ट इज़ अ फुल ऑफ सरप्राइज, ही सेड। तो जो राजा होता है वो क्या कहता है कि ये जंगल तो सरप्राइज से भरा हुआ है। एक पक्षी कुछ और कहता है और दूसरा पक्षी कुछ और कहता है। द होली मैन स्माइल एंड सेड, और वो जो हर्मिट होता है, जो हमारा ऋषि होता है होली मैन, वो बहुत प्यारी सी स्माइल के साथ कहता है, आफ्टर ऑल वन इज़ नोन बाई कंपनी वन कीप्स। क्योंकि वो कहता है कि हर व्यक्ति अपनी कंपनी के थ्रू ही जाना जाता है, वो जिस जैसी कंपनी में रहता है वैसा ही बन जाता है। दैट बर्ड्स हैज़ ऑलवेज हियर द टॉक ऑफ रॉबर्स, वो जो पक्षी था वो हमेशा डाकुओं की बात सुनता था। ही इमिटेट देम एंड टॉक अबाउट रॉबिंग पीपल, तो वो उन्हीं की नकल करता था और लोगों को लूटने के बारे में ही बात करता रहता था। दिस वन हैज़ रिपीटेड व्हाट ही हैज़ ऑलवेज हियर, और ये वाला पक्षी वही रिपीट करता है जो वो यहाँ पर सुनता है। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम, ये हमेशा आश्रम में लोगों को वेलकम करता है। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, अब अंदर आइए और आराम करिए। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दिस वर्ड, तो आइए मैं आपको इस जगह के बारे में और इन पक्षियों के बारे में और भी कुछ बताता हूँ। तो हमारी स्टोरी यहाँ फिनिश होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर गिविंग योर अटेंशन।